छत्तीसगढ़ की सियासत में साल 2018 का वक्त ऐसा था जिसे शायद भाजपा कभी याद नहीं करना चाहेगी, क्योंकि इस चुनाव में भाजपा के ऐसे ऐसे विकेट गिर गए थे जो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी और जो सालों से भाजपा को जिताते हुए चले आ रहे थे। इन्हीं में से एक विधानसभा सीट की हम आज बात कर रहे हैं, वो है कसडोल विधानसभा सीट। यहाँ पर जो विधानसभा अध्यक्ष थे अमर अग्रवाल, वो चुनाव लड़े थे और वो किस बुरी तरीके से हारे, इस रिपोर्ट में आप देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, फोर्थ आई न्यूज की स्पेशल विधानसभा सीरीज में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। इस बार हम बात करने जा रहे हैं दर्शकों के डिमांड पर कसडोल विधानसभा सीट की। ये सीट छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले की एक सीट है जो बलौदाबाजार लोकसभा सीट का हिस्सा है। ये केंद्रीय इलाके में है। कसडोल विधानसभा एक सामान्य सीट थी, लेकिन इसके बाद यहाँ पर जातीय समीकरण बदल गए। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी के गौरीशंकर अग्रवाल ने 93,629 वोटों से जीत हासिल की थी। उस समय के चुनाव में उन्होंने अपने कांग्रेस के प्रतिद्वंदी राजकमल सिंघानिया को 22,928 मतों से मात दी थी। सिंघानिया 70,701 वोट ही हासिल कर पाए थे। वहीं 2013 के विधानसभा चुनाव में तीसरा स्थान बसपा के राजकुमार पात्रे को मिला था, जिन्हें कुल 33,828 वोट मिले थे। चुनाव में कुल 222,327 मत पड़े थे, कुल 75.31% मतदान हुआ था। आपको यहां ये भी बता दें कि कसडोल विधानसभा सीट पर साल 1998 के बाद से 2013 के चुनाव में बीजेपी के गौरीशंकर अग्रवाल ने ही इस सीट में भाजपा का खाता खोला था। इस सीट पर विधायक रहते हुए गौरीशंकर अग्रवाल ने यहां कई विकास के काम किए, लेकिन अपने अंतिम कार्यकाल में वो जनता की नब्ज नहीं टटोल पाए। जब साल 2018 का विधानसभा चुनाव आया, तब बीजेपी ने एक बार फिर गौरीशंकर अग्रवाल पर भरोसा जताते हुए उन्हें मैदान में उतारा। वहीं कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बदलते हुए युवा चेहरे शकुंतला साहू पर दांव खेला। कांग्रेस के लिए शकुंतला साहू का नाम देना किसी बड़े रिस्क से कम नहीं था, क्योंकि गौरीशंकर अग्रवाल जैसे दिग्गज के सामने उनका राजनीतिक करियर फिलहाल कुछ भी नहीं था। इतने सालों के इतिहास में पहली बार इस सीट पर महिला प्रत्याशी को टिकट दिया गया। जाति समीकरण को भुनाते हुए बीजेपी को अपने दांव में फंसाकर कांग्रेस ने साहू समाज से महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा। आपको बता दें कि इसी दौरान सतनामी समाज के गुरु बालदास कांग्रेस में शामिल हुए थे। कसडोल में वोटर्स की लिस्ट में बड़ी संख्या में सतनामी मतदाता आते हैं, इससे सतनामी समाज के वोट भी कांग्रेस को जनता कांग्रेस जोगी से भी झटकने का अनुमान था, और ये अनुमान काफी हद तक सही भी साबित हुआ। JCCJ ने अपने प्रत्याशी के रूप में इस सीट से परमेश्वर यदु को मैदान में उतारा, जो बीजेपी छोड़कर JCCJ में शामिल हुए थे। 2018 में कसडोल में कुल 49% वोट पड़े। कांग्रेस की शकुंतला साहू ने अपने से राजनीति में दिग्गज उनके प्रतिद्वंदी बीजेपी के गौरीशंकर अग्रवाल को कुल 72,000 वोटों के मार्जिन से हराया। इस चुनाव में शकुंतला साहू को 121,422 मत मिले थे, तो वहीं गौरीशंकर अग्रवाल को 73,004 वोट मिले। JCCJ के प्रत्याशी परमेश्वर यदु को सिर्फ 18,170 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। बहरहाल इस बार कसडोल की फिजा कुछ बदली बदली सी नजर आ रही है। ऐसे में क्या कांग्रेस दोबारा शकुंतला साहू को मौका दे सकती है, या फिर इस बार बीजेपी इस विधानसभा पर अपना परचम लहरा सकती है? कसडोल में क्या कोई नया उम्मीदवार भी पार्टियों का प्रत्याशी बन सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही ये भी बताएं कि अगली बार आप किस विधानसभा या किस प्रत्याशी पर स्पेशल रिपोर्ट देखना चाहते हैं। बने रहिए फोर्थ आई न्यूज के साथ। नमस्कार। आपने हमारी रिपोर्ट देख ली, अब आप ये ज़रूर बताइएगा कि जो कसडोल से विधायक हैं, मौजूदा सिटिंग MLA हैं शकुंतला साहू, हालांकि वो CM भूपेश बघेल की गुड लिस्ट में है, तो शायद उनको दोबारा टिकट मिलेगा, लेकिन दोबारा टिकट मिलने की स्थिति में क्या वो इस बार चुनाव जीत पाएंगी? क्योंकि आपसे बड़ा जो प्रेडिक्टर है, आपसे बड़ा जो अनुमान दे सकता है, वो कोई और नहीं, कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, कोई मीडिया हाउस नहीं है। इसलिए अपनी राय ज़रूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।